हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कॉन्टेसा से रिलेटेड, जिसमें कि आज हम देखेंगे कि कॉन्टेसा का इंजन ऑयल कैसे बदल सकते हैं। और ये वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाई है, ये वीडियो फर्स्ट ऑन यूट्यूब होने वाली है दोस्तों, और मैं सारी डिटेल्स दूंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं किस तरह से हम इसका इंजन ऑयल बदल सकते हैं, वो भी डीजल कॉन्टेसा का। दोस्तों, हम सबसे पहले इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए जैक पर थोड़ा सा कार को लिफ्ट करेंगे, जिससे कि हम ऑयल पैन को इजीली एक्सेस कर पाएँ। देखिए, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल्ट को खोलेंगे और उसके बाद हम पुराना ऑयल ड्रेन कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सबसे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की रेस्टोरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं और टेक्निकल वीडियोज़ भी। अब जितने हमारी कार से दोस्तों ये इंजन ऑयल ड्रेन होगा, उतने हम इसका ऑयल फिल्टर को खोल देंगे, जो क्योंकि वो भी हमें चेंज करना है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न करेंगे, खोलेंगे फिल्टर रेंज की हेल्प से। देख सकते हैं आप, इस फिल्टर को हम खोल देंगे और फिर इसकी जगह नया फिल्टर रिप्लेस कर देंगे, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम बहुत अच्छी पोस्ट और स्टोरीज डालते रहते हैं, जो आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास भी कोई इसी तरह की पुरानी कार है या कोई और नई भी कार है, मॉडर्न कार, अगर आप उसको रिपेयर कराना चाहते हैं या कोई भी वर्क कराना चाहते हैं कार से रिलेटेड कोई भी, तो आप हमारे वर्कशॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम ऑयल फिल्टर फ्लेंज को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इस पर पुराना ऑयल लगा हुआ है, उसको क्लीन करेंगे। और दोस्तों, इसके अंदर एक फंक्शन और होता है जिसको ऑयल कूलर कहते हैं। ऑयल कूलर क्या काम करता है दोस्तों, इसके अंदर सर्कुलेट होता है हमारा कूलेंट, जो कि हमारे रेडिएटर के अंदर भी होकर जाता है, वही कूलेंट इसके अंदर भी घूम कर जाता है, सर्कुलेट होता है, उसकी वजह से हमारा ऑयल भी ठंडा होता है। और हमने इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन की है, क्योंकि हमने कार के अंदर पावर स्टेयरिंग इंस्टॉल किया है कस्टमाइजेशन करके। और अब हम नए ऑयल फिल्टर के गैस किट पर ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, वो हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि इससे हमारे ऑयल फिल्टर की जो गैस किट है वो लुब्रिकेट हो जाए, क्योंकि जब हम इसको टाइट करेंगे उसके फेस पर तो वो सूखा होगा, ड्राई होगा, और जब हम उसकी रबर को टाइट करेंगे तो वो ख़राब हो सकती है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा चिकना कर देंगे, उससे लुब्रिकेट हो जाएगा वो, और फिर इजीली हम उसको हैंड टाइट करेंगे, किसी रिंच से या किसी टूल से टाइट नहीं करेंगे इसको, जैसा कि आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे। अब हम इसको क्लॉकवाइज टाइट करेंगे, जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं वीडियो में। दोस्तों, हमने अपनी इस कॉन्टेसा की बहुत सारी रेस्टोरेशन प्लेलिस्ट बना रखी है, जो भी हमने वर्क किए हैं काफ़ी सारे हमने उन वीडियोस में दिखा रखा है, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। अगर आप चाहें तो वो भी जाकर हमारी वीडियोस में देख सकते हैं, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, हमने एक अलग सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। अब दोस्तों, हम इसकी डार्ट को लगा देंगे, जो कि ऑयल ड्रेन हमने किया था सबसे पहले, अब उसको हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा सारा ऑयल ड्रेन हो चुका है ऑयल पैन से। उसके बाद हम इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों, हम एयर क्लीनर खोल लेंगे, क्योंकि हमारा ऑयल फिलर कैप की प्लेसमेंट एयर क्लीनर इनटेक पाइप के नीचे है, और हम जो इसके अंदर इंजन ऑयल फिल करने वाले हैं वो है शेल रिमूला R1 मल्टी, जिसका ग्रेड है 20W40। और दोस्तों, ये जो पैक है ये 10 लीटर का है, इसमें से 5 लीटर हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, जो कि हम अपनी एम्बेसडर में डाल चुके हैं, और अब इसके अंदर 5 लीटर बचा है, जो कि हम फिल करेंगे अपनी कॉन्टेसा में, और इसके अंदर 5 लीटर ही आता है ऑयल। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ, जो कि है 4FD1 इंजन। और हम ऑयल फिलर कैप खोलने से पहले ही इसको क्लीन कर लेंगे ऊपर से रॉकर कवर को, क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी डस्ट इंजन के अंदर नहीं जानी चाहिए। और अब आप देख सकते हैं, हमने ऑयल फिलर कैप खोल दिया है, उसके बाद जो भी उसके आसपास का एरिया है उस पर जो भी डस्ट है उसको हम क्लीन करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल फिल करेंगे। अब हम डिपस्टिक की हेल्प से इंजन ऑयल लेवल चेक करेंगे कि हमारा इंजन ऑयल लेवल कम है या ज़्यादा तो नहीं है,
और आप देखेंगे कि हल्का सा वो ओवर दिखा रहा है इंजन ऑयल मैक्सिमम से। वो इसलिए है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इंजन ऑयल फिल किया है और वो अभी कम्प्लीटली ऑयल पैन के अंदर नहीं गया है, और जब इंजन स्टार्ट होगा तो वो ऑयल फिल्टर के अंदर भी फिल हो जाएगा क्योंकि हमने ऑयल फिल्टर भी नया डाला है इसलिए, और बाद में ऑयल लेवल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑयल फिलर कैप को क्लीन करने के बाद फिट कर देंगे और अब हम एयर क्लीनर को क्लीन करेंगे। और हमने अभी एयर फिल्टर को चेंज नहीं किया है क्योंकि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज किया था और उसके बाद कार ज़्यादा नहीं चली है क्योंकि इसका रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है जैसे कि आप सभी को मालूम होगा। और जब हम इसका आगे फ्यूचर में एयर फिल्टर चेंज करेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे अगले नए पार्ट में। और अब आप देखेंगे हम एयर क्लीनर को फिट कर रहे हैं, उसके बाद हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन भी देंगे। दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। और अब हम बैटरी के टर्मिनल्स को भी कनेक्ट कर देंगे क्योंकि अब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे। और जब इंजन ऑयल चेंज करने के बाद फर्स्टली स्टार्ट करेंगे तो हमको ऑयल प्रेशर लाइट को देखना है कि ये ऑफ हो रही है या नहीं हो रही है, जिस तरह से पहले इंजन स्टार्ट होने पर होती थी। और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली बंद हो रही है। अगर आप ये नहीं बंद होती है तो आपको देखना है कि ये क्यों बंद नहीं हो रही है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली ये बंद हो चुकी है जैसे पहले हो रही थी। और दोस्तों हमने अपनी कार में पावर स्टीयरिंग भी इंस्टॉल कर दिया है, देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये स्टीयरिंग टर्न कर रहा है। और पहले हमारी कार जो थी नॉन पावर स्टीयरिंग थी, जैसे आप सभी को पता होगा जो हमारी पिछली वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं। और अब हम ऑयल फिल्टर को डायग्नोस कर रहे हैं कि वो कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने वो नया रिप्लेस किया है इसलिए। और दोस्तों मैं अभी ऑयल फिल्टर की लीकेज चेक कर रहा हूँ, इतने आप जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों हमने इंजन को एक्सेलरेट इसलिए किया था क्योंकि हमें ये देखना था कि हाई आरपीएम पे हमारा ऑयल फिल्टर तो लीक नहीं करता है। और उसके बाद में हम एक और बार ऑयल फिल्टर को चेक करेंगे और उसके बाद हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है ऑयल चेंज करने के ऊपर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने की कोशिश करेंगे और आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन और आपको और भी ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। गुड बाय।